हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडवांस कोर्स ऑफ अडोबे इलस्ट्रेटर। और ये सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा इलस्ट्रेटर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक शेप को क्रिएट करेंगे, जो भी इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस करना है। तो अभी मैं आपको ग्लोबल एडिटिंग बताने वाला हूँ कि अगर एक शेप में मैं चेंज करूँगा तो वो बाकी सारे को भी इफेक्ट करेगा। सेम एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक शेप है। अभी मैं इसका कॉपी बना के इसमें कुछ बेसिक से चेंजेस कर लेता हूँ। मे बी लाइक इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और मैंने इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको आइडियाज देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने एक शेप को बना दिया और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अल्ट होल्ड करके। स्विफ्ट के साथ आप इसे अलाइन कर लेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लीजिएगा। तो अभी हमारे पास एक हमने शेप बनाया जिसमें हमने कॉपी करा और फिर डुप्लीकेट कर दिया। और यहाँ पे जो शेप्स है वो सिमिलर है, मतलब कि सारे शेप जो है एक हमने बनाया उसी को कॉपी करा, इसलिए सारे सिमिलर हैं। सेलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन है स्टार्ट ग्लोबल एडिट। जब आप इसमें जाके क्लिक करोगे तो आपने एक को सेलेक्ट करा था बट ऑटोमेटिकली इसी के साथ सारे लिंक हो गए। और अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करूँ, जैसे कि अगर मैंने इसके साइज़ को चेंज किया, ऑटोमेटिकली दूसरे भी चेंज होंगे। जब मैं इसके पोजिशन को चेंज करूँगा तो दूसरे के पोजिशन भी चेंज होंगे। और इवन अगर मैं कलर को चेंज करता हूँ तो दूसरे के कलर्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के बीच में एक लिंक बना है। इसी तरीके से जब आप पैटर्न बनाते हो, वहाँ पे भी अगर आप एक डिज़ाइन को बना के उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम कॉपी करना चाहते हो तो काफ़ी आसानी से इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर पे आप वर्क कर रहे हो, मल्टीपल आर्ट बोर्ड आपने रखा है, मीन्स 2, 3, 4, 5 पेजेस आपने रखे हैं, और अगर आप इंडिविजुअली फाइल को सेव करना चाहते हो तो सिर्फ एक क्लिक, एक छोटे से ऑप्शन को इनेबल करके आप कर सकते हो। वो हिडन फीचर्स क्या है शायद आपको पता ना हो, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आर्टबोर्ड हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, तो सबसे पहले हम आर्टबोर्ड टूल को ले लेंगे, जैसे कि आर्टबोर्ड एक्टिव हो गया, और हम यहाँ पे प्लस में क्लिक करके और सारे आर्टबोर्ड को ला सकते हैं। टोटल आर्टबोर्ड हमारे पास यहाँ पे 3 आ चुका है, और यहाँ पे इन 3 आर्टबोर्ड्स में हम कुछ कुछ डिज़ाइन या फिर कुछ बेसिक ग्राफिक्स बना देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये कोई डिफरेंट है पेज और ये कोई डिफरेंट वन है ना। तो हमने कुछ कुछ बना दिया, 3 आर्टबोर्ड्स हमारे पास। तो जनरली हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव में क्लिक करते हैं। तो अगर आपने सेव पहले करा है, जैसे कि अभी ये सेव नहीं है, है ना, तो आप इसे सेव अगर करते हो तो सेव करने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है लोकेशन। लोकेशन आपने डिफाइन कर दिया और सिर्फ आप सेव में क्लिक करते हो, है ना, और यहाँ पे ओके में डायरेक्ट आप क्लिक कर देते हो। बट यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। सबसे पहला एक फीचर है जिसमें आप वर्जन को सेट कर पाओगे। अगर किसी ऐसे पर्सन को फाइल शेयर कर रहे हो, स्पेशली प्रिंट मीडिया में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो आप प्रिंटर को अगर शेयर करोगे तो उसके पास मे बी ओल्ड वर्जन हो, वो CS वर्जन अभी भी इस्तेमाल करो, CS5, CS4, CS3, है ना। तो आप यहाँ से जाके ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो किस वर्जन में आप कंपैटिबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। और अगर आप इंडिविजुअली फाइल को सेव करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं अभी डायरेक्ट अगर कर दूँ तो ये तीनों पेजेस एक साथ आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसे क्लोज करके आपको फिर से दिखाता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली। अगर मैं जाके इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही फाइल के अंदर में तीनों ही पेजेस हैं, लेकिन मुझे इंडिविजुअल आपको करके दिखाना है। फाइल में जाएंगे, सेव एस पे जाना पड़ेगा आपको। सेव एस कॉपी फाइल को क्रिएट करता है। फर्स्ट टाइम आप सेव करते हैं, उसके बाद आप सेव एस करते हैं कॉपी फाइल को क्रिएट करने के लिए। आप किसी भी नेम को डिफाइन कर दो, जैसे कि 1, और यहाँ पे इलस्ट्रेटर ही हमारा होगा। सेव में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वर्जन को चूज कर लो, और एक ऑप्शन है सेव ईच आर्टबोर्ड इन अ, है ना, सेव ईच आर्टबोर्ड टू अ सेपरेट फाइल। तो जितने भी आर्टबोर्ड हैं वो सारे के सारे सेपरेट में आपके सेव हो जाएंगे। ओके में आप क्लिक कर दोगे और आप देख सकते हो कि 1 है ना, एक हमारा जो फर्स्ट का जो मेन फाइल है जिसमें सारे के सारे तीनों पेजेस हैं, ये इस पे आ जाएगा। डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 के अंदर में फाइल का नेम 1 है, और अभी हम इस पे आएंगे 101, तो इसमें जो फर्स्ट पेज है हमारा सिर्फ वो होगा, सारे आर्टबोर्ड नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट नंबर का आर्टबोर्ड होगा। और हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर का आर्टबोर्ड होगा, है ना, और इसी तरीके से थर्ड नंबर का आर्टबोर्ड हमारा सेपरेट होगा। तो इस टेक्निक को काफ़ी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पेजेस को यानी आर्टबोर्ड को आप सेपरेट कर सकते हो सिर्फ एक ऑप्शन को इनेबल करके। जब आप लोगो आइकन्स को डिज़ाइन करते हैं तो आपको रेफरेंस और गाइड की ज़रूरत पड़ती है। गाइड मतलब जो हमें हेल्प करेगा, है ना, एक बेस को क्रिएट करने में। यूँ तो आपने रूलर को इस्तेमाल करके गाइड यहाँ पे बनाया होगा, जैसे कि व्यू में जाके रूलर हमारे पास होता है ना, जिससे अगर हम शो रूलर पे क्लिक करेंगे इनेबल हो जाएगा। तो माउस के बटन को होल्ड करके हम यहाँ पे कुछ बेस लाइंस बना सकते हैं जो हमें हेल्प करता है। जब हम आउटसाइड में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। और जब भी आप कोई लोगो या कोई आइकन्स डिज़ाइन करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट से आपको एक बहुत सहूलियत होती है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए।
लिए, है ना। तो अगर मुझे कस्टमाइज ग्रिड अगर बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब उसके लिए क्या टेक्निक हो सकता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम अगर सिर्फ लाइन को भी ले लेते हैं, यहाँ पे लाइन टूल आपको मिल जाता है, आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं अभी अल्ट होल्ड करके कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट अलाइनमेंट पे ये जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी से हमने डुप्लीकेट बना दिया, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। ग्रुप बना दिया मैंने, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली, मैंने ड्रैग करके कॉपी कर लिया, मैं इसे रोटेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, रोटेट कर लिया मैंने, अल्ट होल्ड करके मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे वो बन चुका है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है गाइड्स में तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या शॉर्टकट है। कीबोर्ड में कंट्रोल और 5 बटन को आप प्रेस कीजिएगा, जो भी सिलेक्टेड है वो इंस्टेंटली आपका गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ड्रैग करके सभी का सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट में जाके आप इसे लॉक कर सकते हो, सिलेक्शन एंड लॉक, जिससे कि ये गाइड हमारा लॉक हो गया। और अब हमें जो भी बनाना है, पेन टूल को हम इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी दूसरे शेप को इस्तेमाल करेंगे, हमें एक रेफरेंस यहाँ पे मिल चुका है, जिस रेफरेंस के आधार पे हम चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेट पे अगर आप कलर पैलेट को बनाना चाहते हो तो उसके लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, ताकि आप अपना खुद का कलर पैलेट बना के किसी कलर के शेड्स को बना के अपने स्वैचेस पैनल में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्वैचेस पैनल आपको मिलता है, तो इसमें जो फोल्डर आप देख रहे हैं इसमें कलर की कैटेगरी है, इसमें एक नया फोल्डर हम लोग बना के ऐड करेंगे जो हमारा क्रिएटेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ग्रे का शेड्स देख सकते हो, तो लाइट से लेकर डार्क तक का पूरा आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको किसी भी कलर का लाइट एंड डार्क बनाना है तो उन दोनों कलर्स को पिक करना पड़ेगा। तो एग्जांपल को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इलिप्स टूल जो है वो ले लिया है, किसी भी एक कलर को हम चूज़ कर लेंगे, लेट्स से दिस वन, ठीक है, मुझे एक कलर ये चाहिए। स्ट्रोक कलर में जाके इसे नन कर देंगे और अल्ट होल्ड करके इसे ड्रैग करके जो है वो कॉपी कर लेंगे, और इसी का लाइटर वर्जन, तो डबल क्लिक करके आप इसके लाइट वर्जन को ले लो, लेट्स से दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास डार्क एंड लाइट का एक शेड आ चुका है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यही चीज़ आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, किसी और कलर के साथ, ठीक है। सिलेक्शन आपने कर लिया, आपको ब्लेंडिंग तो पता होगा, ये मैंने पहले ट्यूटोरियल में बता दिया है। फर्स्ट में क्लिक करके सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लेंड मिल जाएगा। इसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको स्पेसिफाइड स्टेप्स को चूज करना है। यहाँ पे 5 नंबर को डाल के क्लिक करेंगे ओके में, तो आपके पास कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 शेड्स आ जाएंगे। इन बिटवीन मीन्स डार्क और लाइट के बीच के शेड्स आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको और ज़्यादा लाइट एंड डार्क करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके आप स्पेसिफिक का सिलेक्शन करके इसमें चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से इसमें जाके। और अगर ज़्यादा लाइट आपको कलर्स लेने हैं तो और ज़्यादा लाइट कलर ले लेंगे, तो लाइट एंड डार्क के बीच में आपको कॉम्बिनेशन हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे डार्क में, तो पहले तो मैं बैक आ जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक करके, एंड जैसे मेरा इसका सिलेक्शन हो जा रहा है डबल क्लिक, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर ले रहा हूँ ताकि और ज़्यादा वैरायटी हमें मिल जाए कलर्स की, मीन्स शेड्स ऑफ कलर। ये एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद इसके बीच के स्पेसिंग्स को हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, चूंकि एक ब्लेंडिंग है। डबल क्लिक करेंगे और आप एक के पोजीशन को चेंज करोगे, है ना, ऑटोमेटिकली बाकी सारे भी हो जाएंगे। ये काम आप कर सकते हो या फिर इसको इंडिविजुअली भी हम करेंगे बाद में। ये करने के बाद सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका सारा जो शेप है वो एक्सपैंड हो चुका है। यहाँ पे जाके अनग्रुप हमें करना पड़ेगा। इसके बाद एक के पोजीशन को हम चेंज करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, क्लिक करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का हमें ऑप्शन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का, इसमें जाके क्लिक कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, सभी का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो गैप्स उसी बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। आप इसको अगर गैप ज़्यादा दे देते हो, ठीक है, इसको गैप आप ज़्यादा दे देते हो, ड्रैग करके सेलेक्ट आप कर लो, अलाइन पहले तो कर लो और यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। अगर आपको और छोटा करना है तो आप और छोटा कर लो, क्योंकि स्पेसिंग्स हमारे पास थोड़ी कम है। ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे, डू द सेम थिंग। तो अब आपने देखा कि आपके पास जो शेड्स है वो लाइट टू डार्क का पूरा शेड्स आ चुका है, और इसे मैं ऐड करना चाहता हूँ स्वैचेस पैनल में। तो सबसे पहले ये करेंगे, इसके बाद स्वैचेस पैनल को यहाँ से एक्टिव करेंगे। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा तो विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके आपको स्वैचेस पैनल को फाइंड करना है। यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएंगे, स्वैचेस आपको मिल जाएगा। और स्वैचेस में जब आप जाते हो तो इसके साइज़ वगैरह को हो सकता है थोड़ा सा अलग आपका आ रहा हो, है ना, चेंज आप कर सकते हो। जैसे कि अगर छोटा आ रहा है तो इन 3 डॉट्स में क्लिक करके यहाँ पे मीडियम कर लेंगे तो छोटा दिखेगा, है ना, साइज़ इसके बड़ा छोटा आप कर सकते हो। सिलेक्शन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जो भी आपको डिफाइन करना है नेम। नेम को डिफाइन करने के बाद ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर में जो हमने कलर्स यहाँ पे बनाए थे, ये पूरा कलर का शेड आ चुका है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो तो आपको अगर मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर अगर चाहिए, कोई सीनरी बना रहे हो, कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हो, तो उसमें आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा एक ऑप्शन है,
तो आप इसमें आराम से लेके आ जाओ, और जब भी आप कोई शेप बनाते हो तो आप सिर्फ उसमें क्लिक करोगे और वो स्पेसिफिक कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने उस शेप में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे शेड्स ऑफ कलर में सिर्फ ग्रे का मिलता है, बाकी जो है यहाँ पे कुछ और शेड्स हैं, जैसे कि ये आपको मिल रहा है ब्राउन का शेड्स, ठीक है, ग्रीन के कुछ शेड्स मिल रहे हैं, बट पिंक में अगर हम जाएँ तो पिंक में ऑप्शन तो है बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वेरिएशन नहीं है ना, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, तो हम चाहें तो और ज़्यादा ऑप्शन अपने लिए जनरेट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू से। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो गाइज तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। पहली बार हमारे चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट को शेयर किया है जहाँ पे जाके इलस्ट्रेटर को बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक के कोर्स को आप फ्री में कर सकते हो, मैंने मास्टर सीरीज का लिंक दिया है। तो इसी के पहले के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, पहले 3 वीडियोस, ये 4th नंबर का वीडियो है, तो पहले के वीडियोस को देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।